नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुनीता। तो दोस्तों, इस बार दिवाली के अवसर पर भारतीय क्रिकेट फैंस को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है, क्योंकि आईसीसी ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप स्टेज का ऐलान कर दिया है। और खास बात यह है कि भारत और पाकिस्तान की टीम को एक ही ग्रुप यानी कि ग्रुप 2 में रखा गया है, जिससे एक बात तो तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस वर्ल्ड टी20 में हमें एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि 17 अक्टूबर से शुरू होकर टी20 विश्व कप के मुकाबले नवंबर तक खेले जाएंगे, जिसके बाद से आपको ये बता दें कि 4 नवंबर को दिवाली है और ये माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमें ये महामुकाबला दिवाली के आसपास या दिवाली वाले दिन ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अब तक भारत और पाकिस्तान का टी20 में सफर कैसा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब इस रिपोर्ट के माध्यम से नजर डालते हैं भारत और पाकिस्तान के अब तक के टी20 के सफर पर। भारत और पाकिस्तान को यूएई और ओमान में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक ही ग्रुप में रखा गया है। दोनों ही टीमें 5 साल बाद टी20 में आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 मुकाबला 19 मार्च 2016 को खेला गया था। तब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। इस साल दिवाली 4 नवंबर को है, वहीं टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से हो रही है। 25 अक्टूबर के बाद सुपर 12 के मुकाबले खेले जा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच भी 4 नवंबर के आसपास खेला जा सकता है। इसका मतलब है कि दिवाली पर फैंस का मजा डबल होने वाला है। हालांकि आईसीसी ने अभी यह शेड्यूल जारी नहीं किया है। भारत और पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 5 बार आमने सामने हुई है। इन सभी में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। ओवरऑल टी20 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 7 और पाकिस्तान ने एक मैच जीता है। वहीं एक मैच भारत ने टाई होने के बाद बॉल आउट से जीता था। दोस्तों, भारतीय टीम ने साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। वहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार सीज फायर वायलेशन और फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंध और ज्यादा बिगड़ गए थे। दोनों ही टीम्स ने साल 2007-08 सीजन के बाद से टेस्ट सीरीज में भी एक दूसरे का सामना नहीं किया है। हालांकि दोनों टीमें आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक दूसरे के खिलाफ खेलती रही हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान ने 9 साल से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है। दोनों ही टीम्स के बीच पिछले टी20 और वनडे सीरीज दिसंबर 2012 में खेली गई थी। टी20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी, वहीं वनडे सीरीज को पाकिस्तान ने 2-1 से जीता था। 2017 से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 वनडे ही खेले हैं और ये सभी मैच आईसीसी टूर्नामेंट्स का हिस्सा रहे थे। इसमें से 2 मैच 2017 चैंपियंस ट्रॉफी और 2 मैच 2018 एशिया कप और 1 मैच 2019 वर्ल्ड कप में खेला गया था। दोस्तों, ये था भारत और पाकिस्तान का अब तक का टी20 का सफर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी ताज़ा अपडेट्स मिलती रहें।